आगरा श्री गोपाष्टमी पर्व के अवसर पर श्री कृष्ण गौशाला कमेटी शाहगंज द्वारा आज गौ माताओं को भंडारा कराया, गौ माताओं की पूजा अर्चना की, हरा चारा गुटफल दलिया भूसा आदि गौ माता को खिलाया गया। गौशाला कमेटी के सचिव महेश मंगरानी ने बताया कि श्री कृष्ण गौशाला के आसपास लगे क्षेत्रों से भारी संख्या में गौ भक्तों ने आकर पूजा अर्चना की, फल आदि खिलाया। गौशाला कमेटी से जुड़े समाज सेवी हेमंत भोजवानी ने बताया कि वर्ष 1955 में स्वामी लीलाशाह महाराज जी ने 5 गायों से श्री कृष्ण गौशाला की स्थापना की। इस वक्त गौशाला में लगभग 450 गोवंश है। कमेटी के कोषाध्यक्ष मनीष हरजानी के अनुसार कल स्वामी लीलाशाह जी के निर्वाण दिवस पर दुग्ध अभिषेक, हवन, प्रवचन, भजन, कीर्तन, भंडारा होगा। आज के इस पुनीत अवसर पर कथावाचक सुश्री पंडित गरिमा किशोरी मुख्य रूप से उपस्थित रहे। उनका स्वागत गौशाला कमेटी की ओर से शाल पहनाकर किया गया। इस अवसर पर हेमंत भोजवानी, पूरन चंद, मनीष हरजानी, जयप्रकाश धर्मानी, भोजराज लालवानी, श्याम भोजवानी, नरेश लखवानी, लालचंद मोटवानी, कन्हैया सोनी, लक्ष्मण भावनानी, जेके भाई गुरदासमल, लक्ष्मण दास, ईश्वरदास, माया देवी, मधु भावनानी, शांति देवी, भारती शर्मा, लक्ष्मी शर्मा, चांदनी भोजवानी, जीवृतराम, मोहनलाल बोधवानी, मुखी भाई, मुरलीधर, सौरभ कुमार, मनोज कुमार, श्याम सुंदर रोड़ा आदि मौजूद रहे। आगरा से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए फैजान उद्दीन की खास रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। सभी को बहुत बहुत बधाई। पहले गोपाष्टमी के पर्व पर श्री स्वामी लीलाशाह तपोभूमि पर सुबह से कार्यक्रम चल रहे हैं और गौ माता की पूजन करके सब लाभ उठा रहे हैं, धन लाभ उठा रहे हैं। और कल ही इसी कड़ी में कल स्वामी जी का निर्वाण दिवस है, उसको भी मैं सबको आपके माध्यम से सबको आगने की आमंत्रित करता हूँ गौशाला की तरफ से। और सब लोग आएँ और स्वामी जी का आशीर्वाद लें और सबको बहुत बहुत बधाई। देखिए, गौ माता की जिसने भी पूजा कर ली निश्चित ही स्वर्ग उसके दर पे है। और जिस तरीके से हमारे आगरा में स्वामी कृष्ण लीला जी का ये तपोभूमि है, स्वामी जी की तपोभूमि है, यहाँ पे 400 से ऊपर गाय हैं और निश्चित ही वैसे तो भाग में ही जिसके होता है वही सेवा करता है और ये भाग आपके सेवक को मिल चुका है। पूरे कोरोना काल लॉकडाउन में हम लोग जब कोई नहीं पहुँचता था तो हम लोग यहाँ पे गौ माताओं की सेवा के लिए आते थे। गौ की जिसने सेवा कर ली समझ लो सीधी प्रभु से उसके तार मिल गए। गौ माता अगर हमको कहीं रास्ते में मिलती है, कहीं हमें दिखता है उसको चोट लग गई, हमको सारे काम छोड़ के गौ माता की सेवा में लग जाना चाहिए। और गौ माता को अपने घर में सबसे पहले जो रोटी निकलती है वो गौ माता के लिए निकालनी चाहिए। सारे देवी देवता उस गौ माता में वास करते हैं। आज गोपाष्टमी का बड़ा पर्व है, हम लोग यहाँ गौशाला में आए हैं, गौ माता की पूजा की है और सभी को कहते हैं इसी तरीके से हफ्ते में रोज़ नहीं तो 2-3 दिन गौशाला आएँ और पुण्य कमाएँ। मैं पंडित गरिमा किशोरी भागवताचार्य हूँ। गोपाष्टमी का ये बड़ा ही शुभ दिन हम सबके जीवन में भगवान की कृपा से आता है। सर्वप्रथम मैं आप सभी को गोपाष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। गोपाष्टमी की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। और साथ ही साथ मैं ये कहना भी चाहती हूँ कि आज गोपाष्टमी का पावन पर्व है, लेकिन इस पर्व को हमको हर दिन मनाना है। आजकल गौवंश के ऊपर बड़ा ही संकट है, उसकी सहायता के लिए हम सबको बाहर आना है। अपने अपने खजाने में से जो भी सहायता हम गौ माता की कर सकते हैं वो हमको अवश्य ही करनी है और हर दिन गोपाष्टमी के इस उत्सव को हमको मनाना है।